गुड मॉर्निंग प्लस टू स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको इम्प्लिसिट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है वो फार्मूले सारे करवा दिए थे, ठीक है। वो आई होप आपने एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया होगा। और लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस की थी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। तो जो इसके फर्स्ट 8 सम्स हैं वो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। इसकी जो सम्स है काफ़ी सिंपल है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया था, तो एक बार फिर से आपको इसको डिस्कस सारे कर लेते हैं। जो फर्स्ट सम है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये आपने हर एक सम में लिखना है, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 3y का 3 × dy/dx और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स। इसके बाद क्या कर, जैसे आपने क्या करना है, आगे जो सम्स आएंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने dy/dx को y- सपोज कर लिया, ठीक है। y- लेकर ही चलेंगे इसको, क्योंकि बार बार ये dy/dx आपको लिखना पड़ेगा, तो आपने बट dy/dx ही लिखना है इसको, ठीक है, हर एक सम में। तो इसके बाद क्या करना है, वाई डैश वाली टर्म्स को एक साइड में कलेक्ट करना है, जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है उसको राइट में ले जाना है आपने, और वाई डैश की वैल्यू निकाल लेनी है, वेरी सिंपल। इसी तरह से सेकेंड सम है, 2x + 3y sin y है, 2x का डेरिवेटिव 2, 3y का डेरिवेटिव 3y, sin y का डेरिवेटिव cos y, क्योंकि y x का फंक्शन है तो आपने × y करना है। फिर से वही y डैश की टर्म्स को कलेक्ट करके y डैश लेफ्ट में लिखना है, बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाना है। थर्ड सम है, ax + by² इज इक्वल टू कॉज वाई, तो ax का डेरिवेटिव a हो गया, by² का b तो कॉन्स्टेंट ही है, y² का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का करें 2y, फिर y का डेरिवेटिव y-, तो 2y × y- इसका डेरिवेटिव है, कॉज वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, क्योंकि y का फंक्शन दिया हुआ आपको, तो इसलिए आपको y- लगाना है। फिर से y- कॉमन निकाल के बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। फोर्थ सम, अब इसमें xy गिवन है, तो xy का डेरिवेटिव क्या होगा, x × y का डेरिवेटिव y-, फिर y × x का डेरिवेटिव 1, फिर से y² वही आ गया सेम, 2y × y-, tan x का डेरिवेटिव sec² x, y का डेरिवेटिव y-, फिर से y- कॉमन लेके आपने एक तरफ लिखना y-, और बाकी सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देना है। सेम वे से आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है फिफ्थ एंड सिक्स सेम ही थे, मैंने फिर सेवन्थ सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। साइन स्क्वेयर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले वाई पावर का करना है 2 sin y, साइन वाई का डेरिवेटिव कोज वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव y-, ठीक है। इसी तरह से कोज एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले कोज का करेंगे, कोज का होगा माइनस साइन एक्स वाई का dx ऑफ एक्स वाई, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, ठीक है। एक्स वाई का डेरिवेटिव x² प्लस y² और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से आपने फिर से y- कॉमन निकालना है और y- की वैल्यू निकालनी है। अब जो नेक्स्ट सम्स हैं वो आपके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड, ठीक है। तो इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो इसमें जैसे साइन इनवर्स है, तो x को आपने साइन थीटा पुट किया, टैन थीटा पुट किया, तो ये बनेगा 2 tan θ / 1 tan²θ, तो ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2θ का, तो ये आ गया 2θ आपके पास। थीटा की वैल्यू पुट करें, टैन इनवर्स x हो गया, ठीक है। तो y- कितना होगा, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x². ये मैंने जब आपको फार्मूले करवाए थे तब आपको ये सारे मैंने बताए थे, ठीक है। तो एक बार सारे फार्मूलेस आप इसको रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10th, y = tan inverse of 3x - ये काफ़ी सिंपल सम्स हैं। तो इसमें आपको x गिवन है -1/√3 to √3, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो, ये जो फार्मूला आपका, ये वैसे 3 tan inverse x का ही फार्मूला है, ये तो वैसे ही हो गया आपका, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, 3/1 + x² हो गया। tan inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x². नेक्स्ट है y = cos inverse 1 - x² / 1 + x². तो पुट करना आपने x को tan θ, ठीक है।
तो ये फार 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या बना फिर आपका, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो हमारा वाई कन्वर्ट हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा में, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स से कॉस तभी कैंसिल होगा, मतलब 2 थीटा तभी आएगा जब 2 थीटा आपका मतलब जो एंगल आपका वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी आपकी, 0 से 2, 0 से पाई थी, ठीक है। इस तरह से आप साइड बाय साइड रिवाइज कर सकते हैं। अब जो गिवन है हमें, गिवन ये है कि एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें टेन जो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, टेन थीटा ही है, ठीक है। तो इट मीन्स जो थीटा आपका किस में लाई कर रहा है, 0 से π/4 में, ठीक है। तो हमें 2 थीटा चाहिए तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो एंगल हमारा हमने देखा, ये जो एंगल है हमारा ये वाला 2 थीटा, ठीक है, जो मैंने ग्रीन पेन से सर्कल किया है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स जो वाई बना आपका 2 थीटा बन गया, फिर से 2 tan inverse x आ गया, तो वाई डैश क्या होगा, 2 tan inverse का डेरिवेटिव तो सभी में हम कर ही चुके हैं, 2 upon 1 plus x square होगा। इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square। इसमें भी आपको एक्स वही सेम 0 to 1 गिवन है, पर देखो जो अभी हमने ऊपर सम किया 11th, उसमें ये था ये जो फार्मूला कॉस का बन रहा था, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square आ गया, ठीक है। वही आपका जो एक्स है वो 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अभी हमने ये ऊपर फाइंड आउट किया है, किया ना सम ये वाला, तो ये हमारा क्या था, पाई बाई 2 माइनस 2 tan inverse x, जैसे अभी ऊपर आपने किया वही सेम मेथड से करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का 0 और इसका, ठीक है। इस तरह से कर लेना आपने, जो कि काफ़ी सिंपल है। 13th सम, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x upon 1 plus x square, एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये भी सम अभी हमने किया है, इसको भी हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है। ये किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है। तो इसमें आपको देखो, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 9th में हमने किया था, इसमें एक्स आपको -1 to 1 गिवन था, तो ये जो बनेगा आपका 2x बनेगा, फिर से कर देती है 1 plus x square, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta बनेगा, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला आ गया। तो मैंने एक्स को क्या पुट किया था, टेन थीटा मैंने पुट किया है। तो मेरे पास एक्स गिवन है -1 is less than x is less than 1, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है, टेन ऑपरेट करेंगे, टेन थीटा, ये सॉरी एक्स था ना आपका, टेन इनवर्स मैंने कर दिया ऑपरेट, तो ये आ गया आपका माइनस जो थीटा वो -π/4 to π/4 लाई करेगा, ठीक है। 2 लेकर आना है तो 2 से डिवाइड कर दें आप, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -π/2 से π/2 बन जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया एंगल, ठीक है। तो जो y बना हमारा π/2 minus sin inverse of sin 2 theta बन गया था, तो ये आ जाएगा π/2 minus 2 theta, तो π/2 minus 2 tan inverse x आ गया, फिर से वही आ गया आपका। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 minus 2 upon 1 plus x square, ठीक है। 14th सम, वाई आपको गिवन है साइन इनवर्स 2x into 1 minus x square। तो पहले आप x को पुट कर दें साइन थीटा, ठीक है। तो 1 minus x square क्या बनेगा, 1 minus sin square theta क्या होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये y क्या बना आपका, साइन इनवर्स ऑफ 2 sin theta, 1 minus cos square theta, ये अंडर रूट cos theta ही हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 theta बन गया। अब आपने साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल करना है, ऐसे कैंसिल नहीं कर, ऐसे ऐसे काटना नहीं है आपने, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए इसके लिए। तो जो अब गिवन होता है वो हमने यूज़ करना है, हमें एंगल, हमें ये गिवन है -1/√2 is less than x is less than 1/√2। तो x को क्योंकि हमने साइन थीटा पुट किया, तो आप x की वैल्यू पुट कर दें सिंपल पहले तो, ठीक है। तो हमें थीटा चाहिए, तो साइन इनवर्स, इसको साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/√-1/√2 क्या होता है, -π/4 is less than theta is less than, तो हमें 2 चाहिए, तो फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप,
तो हमने देखा जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल होता है ना, तो इट मीन्स जो वाई बना हमारा साइन इनवर्स ऑफ मतलब वाई आपका टू थीटा ही आ जाएगा। फिर थीटा की वैल्यू पुट करें टेन इनवर्स एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स फिर से कर देते, मेरे पास वाई बना टू थीटा तो टू साइन इनवर्स एक्स हो रहा है। एक्स इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये मैंने आपको बताया था टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स के, इस तरह से आपने करना। अब लास्ट सम है वाई इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ वन ओवर टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। तो पुट करो आप इसमें एक्स को कॉस थीटा, तो टू कॉस के थीटा माइनस वन का फार्मूला क्या होता है कॉस टू थीटा, तो वन ओवर कॉस टू थीटा क्या होगा सेकेंड टू थीटा होगा, ठीक है। अब आपको इसमें गिवन है एक्स जो आपका वो लाई कर रहा है जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में, ठीक है। आपने एक्स को क्या पुट किया था इसमें कॉस थीटा, तो इट मीन्स आपका जो कॉस थीटा है ठीक है जीरो से वन बाई रूट टू के बीच में लाई कर रहा है। अब कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस जीरो वन होता है कॉस नाइन्टी वन कॉस जीरो वन होता है कॉस नाइन्टी जीरो होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये आएगा पाई बाई फोर इज लेस देन कॉस थीटा इज लेस देन पाई बाई टू सॉरी थीटा आएगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल जो है आपका कॉस जीरो को जो ये जीरो की वैल्यू कॉस नाइन्टी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई वन बाई रूट टू की कॉस पाई बाई फोर, क्लियर, ठीक है। इस तरह से करना जब आप कॉस जैसे हम इसको कॉस हटाएंगे तो हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया, क्योंकि कॉस सेकेंड इनवर्स की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है जीरो से पाई है और माइनस पाई बाई टू करना, इसमें पाई बाई टू इंक्लूड नहीं करते ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मतलब कि कैंसिल करके वाई इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ सेकेंड टू थीटा हमारा है दिया हुआ है, तो ये आ गया टू थीटा मतलब कि टू कॉस इनवर्स एक्स आ गया आपका, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस माइनस टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 की कंप्लीट डिस्कशन। तो इसके लिए आपको मैंने बताया आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस सेकंड चैप्टर आपका बुक का है उसके आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो टेबल है वो अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम अब एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है और ये जो बेस्ड है ये डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। तो यदि आपके कोई डाउट्स होंगे तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।